हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें आपको बता दिए थे आपका एडमिट कार्ड 27 के देर रात तक आपको हर हाल में जारी विभाग की तरफ से कर दिया जाएगा। अभी तक क्यों नहीं आया रिजल्ट, अभी तक क्यों नहीं आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया, क्या दिक्कत आई है, सारी जानकारी मन भवन करके इस वीडियो में बात करने वाले। और आप लोगों द्वारा बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है, सर आपका भविष्यवाणी का क्या हुआ, कल से लेकर अभी तक 4 बार आपका वीडियो हम देख चुके हैं और अभी तक विभाग की तरफ से एडमिट कार्ड नहीं आई है। तो दोस्तों सारे प्रश्न का आंसर इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बारे में वीडियो को स्टार्ट कर ले। तो सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं, विभाग की तरफ से एडमिट कार्ड कब जारी किया जा रहा है, कल क्यों नहीं एडमिट कार्ड आए, सो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप लोग आधा अधूरा वीडियो को देखते हैं इसीलिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। पूरा वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा जो कल एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों बात करते हैं जो कल हम भविष्यवाणी किए थे, कल हम एक वीडियो बनाए थे और बताए थे कल देर रात तक आपको हर हाल में एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, क्यों नहीं एडमिट कार्ड जारी किया गया। तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न यही है जो सर्वर मेंटेनेंस, ध्यान समझ लीजिए, कल शाम में ही 8 बजे एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता, बट लॉगिन विभाग जो लॉगिन कर रहा था सर्वर को, जो लॉगिन वेबसाइट को कर रहा था, वो वेबसाइट लॉगिन ही नहीं हो पा रहा था, मेंटेनेंस मांग रहा था। तो कल 8 बजे ही मेंटेनेंस में लगा के दिया गया था और अभी तक मेंटेनेंस ही हो रहा, कल से ही, कल 8 बजे से ही, ध्यान समझ लीजिए, जिससे जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम कॉल करके बार बार परेशान कर रहे थे जो बताइए अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, बार बार बच्चे कमेंट कर रहा। तो दोस्तों एक लाइन में उनको बोल दिए जो सर्वर का मेंटेनेंस का भी काम चल रहा है, जैसे ही मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाएगा एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा, लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा जहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ध्यान समझ लीजिए, पूरे बारीकी से वीडियो को देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, 3-3.5 मिनट का ये वीडियो होगा, जो 8:30 बजे के बीच में जब वेबसाइट को लॉगिन किया गया तो लॉगिन हो ही नहीं रहा था, मेंटेनेंस मांग रहा था। जानते हैं सरकारी विभाग है, हर चीज़ जल्दी मेंटेनेंस भी, कोई भी सर्वर नहीं हो पाता है, वेबसाइट नहीं हो पाता है, इसलिए वो मेंटेनेंस में लगा हुआ। जैसे ही मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाएगा, ध्यान समझ लीजिए, जैसे ही मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जो आपको सब्जेक्ट लग रहा है कमज़ोर है उसको 2-3 बार बनाइए, सीट बनाइए, MCQ बनाइए, इसलिए आपका एडमिट कार्ड आना तय है और आज हर हाल में एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं अगर सर्वर मेंटेनेंस नहीं मांगता तो कल ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता, बट सर्वर मेंटेनेंस के कारण कल एडमिट कार्ड आपको नहीं आया, मेंटेनेंस में लगा हुआ है सर्वर, जैसे ही मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो यही इन्फॉर्मेशन देने वाले थे जो कि हम आपको दे चुके हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसे भी पता चलेगा जो कल क्यों नहीं एडमिट कार्ड जारी किया गया था, क्या दिक्कत है। दोस्तों सर्वर का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जैसे ही पूरा होगा, जितना जल्दी पूरा हो जाएगा उतना जल्दी आपको लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा, इसलिए आपको हैरान नहीं होना, आप अपने तैयारी में फोकस कीजिए और लगे रहिए क्योंकि PhD की क्लासेज आपके साथ साथ है और पल पल का आपको अपडेट देते रहता है। जैसे ही विभाग की तरफ से जो अपडेट अभी आया हम आपको बीच बता दिए, फिर से जैसे ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा फिर से एक फ्रेश वीडियो बनाकर हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू।